हेलो एवरीवन, आज मैंने आपके लिए एक कॉमिक्स बनाई है जो कि कक्षा 4 पाठ हिंदी के पाठ 2 प्यासी मैना पर है। तो देखते हैं प्यासी मैना की कहानी। एक बगीचे में नीम के पेड़ के खोकल में एक मैना रहती थी। वह रोज बगीचे में दाना चुगती और नल से पानी पीती थी। एक दिन बहुत गर्मी थी, मैना को जोर की प्यास लगी थी। मैना उड़कर नल के पास गई और अरे यह नल तो बिल्कुल सूखा है, इसमें तो पानी ही नहीं है। निराश हो मैना आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां उसे एक तोता मिला। भाई मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पीते हैं। अरे ये घड़ा तो खाली है, पेड़ पर कबूतर भाई रहते हैं, उनसे ही पूछती हूँ। कबूतर भाई, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? दुर्गों, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है और फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहां चलकर ही पीते हैं। तीनों उड़कर लाल ईंट वाले मकान पर जाते हैं। अरे कपड़े धोने वाला तो चला गया, फर्श की दरारों में पानी जमा भी सूख गया है, अब क्या करें? तीनों उड़कर चलते हैं। फिर अब क्या करें, मुझे तो जोर की प्यास लगी है, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। उड़ते उड़ते वे एक पीपल के पेड़ पर पहुंचे। वहां बहुत सारी गौरैया बैठी थी, वह सब खूब मजे से चहक रही थी। चलो चलो चो 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 चलो 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 चो 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 चो। गुडरगू, अरे गौरैया क्या बात है, तुम लोग तो बहुत खुश हो। हम सब अभी नहा कर आए हैं। नहाकर हमको तो पीने को भी पानी नहीं मिला और तुम नहा भी आई, आओ मेरे साथ। सभी उड़ते उड़ते एक मकान के आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत सारे गमले थे जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। पौधों की छाया में एक पानी का कुंडा भी था, जिसे देखकर बोले पक्षी, अरे देखो इस कुंडे में पानी है, वाह फुदुद और गिलहरी पानी पी रहे हैं, अरे वाह। लेकिन ये कुंडा यहाँ किसने रखा है? कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। सभी बड़े खुश हुए यह देखकर। फिर मैना, तोता और कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के पास जाकर बैठ गए और जी भर कर उन्होंने पानी पिया। वाह मजा आ गया आज तो। हाँ मजा आ गया। मजा आ गया। तो बच्चों देखा तुमने प्यासी मैना ने कैसे अपनी प्यास बुझाई। हमें भी पक्षियों के लिए घर की छत पर या आंगन में दाना और पानी दोनों रखने चाहिए। धन्यवाद।